हेलो भाई, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं टैग ग्रिप। आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आपके व्हाट्सएप से जुड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए गाइज, अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं और आप अपने किसी अदर मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप पर लॉग इन करने के लिए जाते हैं, अपने व्हाट्सएप को ओपन करना चाहते हैं, तो गाइज वहां पर आपको उसका बैकअप देखने को नहीं मिलता। अगर आपको बैकअप का नहीं पता है किस प्रकार से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, तो गाइज वो सारी कंप्लीट प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो गाइज आपको हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर गाइज आप व्हाट्सएप का बैकअप स्टोर नहीं करते हैं और बाई चांस आप उसका क्लियर डाटा कर देते हैं, तो गाइज आपके जो पिछले वाले जितने भी मैसेजेज होते हैं वो आपको दोबारा से रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो गाइज आपको क्या कर लेना है, आपको अपने व्हाट्सएप का जो बैकअप है उसको क्रिएट करना है। वैसे तो गाइज हर यूजर्स को व्हाट्सएप का बैकअप क्रिएट करके रखना चाहिए। तो गाइज अगर आप जानना चाहते हैं किस प्रकार से आप व्हाट्सएप का बैकअप क्रिएट करेंगे, वो सब प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊं, तो गाइज उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो गाइज ज़्यादा समय लगवाते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को और आपको बता देते हैं किस प्रकार आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेने के बाद आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ 3 डॉट्स देखने को मिल जाती हैं, आपको इन पर टैप कर देना है। उसके बाद आपके सामने सेटिंग वाला ऑप्शन आ जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, तो आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, अकाउंट्स, चैट्स, नोटिफिकेशन, स्टोरेज एंड डाटा, ऐप, लैंग्वेज, हेल्प, इनवाइट ए फ्रेंड। तो गाइज आपको इनमें से सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिख रहा होगा चैट्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, तो उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखेगा चैट बैकअप, आपको इस पर टैप कर देना है, जिसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर गाइज आपको बैकअप वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट बैकअप जो हमारा बैकअप क्रिएट हुआ था, मैंने यहाँ पर पहले ही सेटिंग कर रखी थी, लेकिन गाइज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आपको गाइज ये बैकअप क्रिएट करने से पहले आपको सबसे नीचे की तरफ गूगल ड्राइव सेटिंग करनी होती है, आपको बैकअप टू गूगल ड्राइव पर क्लिक करना है। तो गाइज आपके सामने इस तरह का ये विंडो ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर 4 से 5 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, नेवर, ओनली व्हेन आई टैप बैकअप, डेली, वीकली, मंथली। तो गाइज मैंने इसको डेली सिलेक्ट कर रखा है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब आप इसको डेली, वीकली और मंथली सिलेक्ट करेंगे तभी आपका बैकअप क्रिएट होगा और वो होगा आपका गूगल ड्राइव में। तो गाइज अगर आप यहाँ से नेवर करेंगे तो आपका बैकअप नहीं बनेगा, क्रिएट नहीं होगा। अगर आप गाइज यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो आपको यहाँ बैकअप पर आकर इसका बैकअप क्रिएट करना होगा। उससे अच्छा है गाइज आप यहाँ से वीकली, मंथली या फिर डेली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे गाइज मैंने यहाँ से वीकली सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद आपको गूगल अकाउंट पर आ जाना है और इस पर टैप कर देना है, जिसके बाद आपके सामने जितनी भी मेल आईडी होगी, आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन हो रखी होगी, उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। तो आपको यहाँ से वो ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है या फिर आपको ऐड अकाउंट करना है यदि आपके पास कोई अदर ईमेल आईडी है जहाँ पर आप उसको क्रिएट करना चाहते हैं, अपने डाटा को बैकअप रखना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज मैं इसी को रहने दूंगा जो हमारे ऊपर वाली हैं, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन दिखाई देगा बैकअप यूजिंग सेलुलर, तो गाइज यहाँ से आप इसको इनेबल करेंगे, यहाँ से आपको ये ऑन रखना है। उसके बाद गाइज आपको इंक्लूड वीडियो, आप इस वाले ऑप्शन को भी ऑन रख सकते हैं। इससे गाइज क्या होता है, जो हमारी वीडियो होती हैं उनकी जो स्टोरेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 6.1 GB टू बी अपलोडेड। तो गाइज बहुत से लोग इसको यहाँ से ऑफ ही रखते हैं, तो गाइज मैं आपको सलाह दूंगा आपको इसको ऑफ ही रखना है, आपके जो मैसेजेज वगैरह हैं आप उसका बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। ये सब कर लेने के बाद गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लॉक वाला ऑप्शन भी दिखाई देगा, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप, अगर आप इसका बैकअप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से इसको ऑन करना होगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ बैकअप पर क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ से जो हमारे मैसेजेज हैं उनका जो बैकअप है वो क्रिएट होने लग गया है, आप यहाँ पर प्रोसेस देख सकते हैं। तो गाइज जब तक हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है तब तक मैं इस वीडियो को कर देता हूँ पॉज। यहाँ से देखिए दोस्तों, जो हमारी प्रोसेस है वो 100% हो चुकी है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने लास्ट बैकअप क्रिएट किया है वो अभी आप देख सकते हैं लोकल में 4:15 और जो हमारा ऊपर टाइम है वो भी 4:15 है और जो साइज़ है वो है 698 MB।
तो गाइज यहाँ से भी इसको 100% होने देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो हमारा बैकअप है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ से बैकअप ले लेने के बाद गाइज, जैसे ही हम अपने किसी अदर मोबाइल के अंदर अपने व्हाट्सएप पर लॉगिन करेंगे, उसकी सेटिंग करेंगे, तो गाइज वहाँ से हम जो हमारा व्हाट्सएप है उसका हम बैकअप ले सकते हैं। तो गाइज इस प्रकार से जो हमारी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन हो जाता है। तो गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।